हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार लॉक एंड की सीजन 2 जो कि नेटफ्लिक्स पर कल ही। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार लॉक एंड की सीजन 2 जो कि नेटफ्लिक्स पर कल ही रिलीज हुआ। टोटल 10 एपिसोड से, और 10 एपिसोड एक साथ देखना और रिव्यू करना इतना आसान नहीं, तो इसलिए हम आज रिव्यू कर रहे हैं। हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 46 मिनट से लेके 53 मिनट्स के बीच में ही, और ये आपको हिंदी में देखने को मिलती है। और जिन लोगों ने सीजन 1 देखा तो डेफिनेटली मेरी तरह सीजन 2 का वेट तो कर ही रहोगे। और ये नेटफ्लिक्स के उन शोज में से एक है जो डेफिनेटली मैंने कई बार लोगों को रिकमेंड किया, तो सोचो कि सीजन 2 के लिए मैं कितना एक्साइटेड होगा। अब जिन लोगों ने सीजन 1 नहीं देखा तो उनको मैं बेसिक प्लॉट बता देता शो का। लॉक फैमिली जिनके पास में कुछ ऐसी चीजें हुई है जिस वजह से ये लोग अपने पुराने घर यानी कि खानदानी घर में जा रहे, जिसका नाम है की हाउस। अब इस हाउस में जाने के बाद लॉक फैमिली के सबसे छोटे मेंबर बॉडी, उनको पता चलता है कि इस की हाउस में कुछ मैजिकल कीज है जिससे अलग अलग चीजें करवाई जाती है। अब वो चीजें क्या है वो तो आप लोग शो में देख लोगे। खैर कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब डॉज नाम की एक डेमन आजाद होती है। अब उसके बाद वो क्या बवाल मचाती है और वो क्या बवाल कंटिन्यू करती है सीजन 2 में, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये शो देखना पड़ेगा। देखो यार, टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर सीजन 1 के कंपेयर में सीजन 2 को देखे, ऑब्वियसली यहाँ पर कंपेरिजन तो होगा क्योंकि सीजन 1 चला इसलिए वो लोगों ने सीजन 2 बनाया। तो अगर ऐसा में देखा जाए तो भाई सीजन 2 मुझे काफी ज्यादा बिलो लगा। जो एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई, क्योंकि ये शो मोस्टली हमको इस वजह से पसंद आया था क्योंकि उसमें मैजिकल एलिमेंट्स थे, यानी कि वो जो की थे और उस की से जो जादुई चीजें हो रही थी, जितनी अलग अलग चीजें हो रही थी वो हमारा एक अट्रैक्शन बनाए रख रहे थे। और सीजन 1 को जिस तरह से वो लोग ने बिल्ड किया था पूरा हुआ एक अलग एक्सपीरियंस दे रहा था। लेकिन अगर सीजन 2 की बात करें तो यहाँ पर चीजों को उन्होंने डार्क रखा है, लेकिन वो जो मैजिकल एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं कम हो गए और वो थोड़ा मजा नहीं आया मुझे, एटलीस्ट नहीं आया जो आना चाहिए था। कैरेक्टर्स की बात करो तो कैरेक्टर्स को यहाँ पर आप कह सकते हो ज्यादा डेवलप तो नहीं किया, लेकिन हाँ जितने भी कैरेक्टर्स है वो आपको अच्छे लगते हैं। और मेरे फेवरेट कैरेक्टर 2 ही है, एक तो किंजी और बॉडी, बाकी आपके कौन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सिनेमेटोग्राफी ये शो की अच्छी है, बट स्टिल मैं प्रीफर करूंगा कि यार सीजन 1 को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने शूट किया था, और VFX भी सीजन 1 में ज्यादा अच्छा था एज कम्पेयर टू दिस सीजन। शो का BGM अच्छा है, और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो हर एक एक्टर ने अपने हिस्से को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया, बहुत ही बिलीवेबल वे में निभाया। सीजन 2 की कहानी मुझे काफी झोलझाल लगी, मतलब उन लोगों ने चीजों को फास्ट बनाने के चक्कर में काफी कुछ चीजें इस तरह से बताई जो ऑडियंस कहीं से भी वो कनेक्टिविटी नहीं बना पा रही थी। और आफ्टर वॉचिंग 3rd एपिसोड लिटरली आई वॉज फीलिंग बोर्ड, लेकिन फिर भी मैं इस वजह से देख रहा था कि अब तो कुछ होगा, अब तो कुछ होगा, अब तो कुछ होगा। और ऐसे अब तो कुछ में पूरा 10 एपिसोड खत्म हो गया, और जहां पर 10 एपिसोड खत्म हुआ वहां से एक चीज समझ में आती है कि इसका सीजन 3 आएगा जिसकी शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग कुछ खास चेंज करेंगे, लेकिन हाँ मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि भाई सीजन 2 को जिस तरह से आप लोगों ने बनाया है और जो मेरा रिस्पॉन्स या जो लोगों का रिस्पॉन्स आएगा, तो उस हिसाब से आपको सीजन 3 दोबारा से बैठ के देखो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ सीन्स रीशूट करना पड़े, कुछ चीज़ें चेंज करना पड़े, तो आप डेफिनेटली चेंज करो। और यहाँ पर मैं ज़्यादा रिवील तो नहीं करूँगा, लेकिन आई होप कि सीजन 3 में अब जो बताने वाले हैं, जो बताने वाला है वो कुछ दमदार करे, समझ रहे हो मेरी बात, दमदार करे। आई होप फॉर द बेस्ट। यार बस इस वीडियो में इतना ही, पेरेंटल गाइडेंस में इतना ही बोलूँगा कि किसिंग सीन्स हैं तो आप लोग खुद देख लेना। हालांकि ये बच्चे लोग शोज बैठ के देख सकते हैं क्योंकि ये बच्चे लोग को ही नजर में रख के बनाया गया था। हालांकि सीजन 2 थोड़ा डार्क रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये फैमिली ऑडियंस देख सकती है। बस वो जो किसिंग सीन्स है उसको अवॉइड कर लो, तो ऐसे मुझे कुछ खास ऐसे सीन्स नहीं लगे जो आप लोग नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं है, आप लोग इंजॉय कर सकते हो। तो मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 6.5 out of 10। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो आप लोगों की मर्जी। यार मिलते हैं नेक्स्ट वीक शायद, टिल देन बाय।